किसानों में लगातार गुस्सा बरकरार है। खेती कानूनों खिलाफ किसान जथेबंदियों में लगातार गुस्सा बरकरार है। अज दशहरे मौके पंजाब विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले साड़े जाणगे। अमित शाह सने होर केंद्रीय मंत्रियों खिलाफ भी पुतला फूक मुजहरा किया जाएगा। किसान जथेबंदियों वालों कारपोरेट घराणियों के पुतले भी अग के हवाले किए जाणगे। किसान जथेबंदियों वालों 41 शहरों और सैकड़े पिंडों में पुतले फूकन की अज योजना रखी गई है। किसानों वालों खेती कानूनों को रद्द करने की लगातार मांग की जा रही है। जिस तरह के नाल दशहरे का त्यौहार है, पर इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले साड़े जाएंगे। तस्वीर दर्शक देख सकते हैं कि किसान जथेबंदियों वालों तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। तो अज त्यौहार वाले दिन यानी कि दशहरे वाले दिन खेती कानूनों खिलाफ एक बार मुड़ तो किसान जथेबंदियों वालों अपना गुस्सा जग जाहिर किया जाएगा। अज दशहरे मौके पंजाब विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले साड़े जाएंगे। अमित शाह सने कई होर केंद्रीय मंत्रियों खिलाफ भी पुतला फूक मुजहरा वक् वक् थावां ते किया जाएगा। किसान जथेबंदियों वालों कारपोरेट घराणियों के पुतले भी अग के हवाले किए जाएंगे। किसान जथेबंदियों वालों 41 शहरों और सैकड़े पिंडों में पुतले फूकन की अज योजना बनाई गई है। ये तस्वीर दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह के नाल प्रधानमंत्री मोदी का पुतला तैयार किया गया। इस बार रावण की थां ते किसानों वालों अपना रोस जाहिर करते हुए इस बार दशहरे मौके रावण की थां प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूकया जाएगा। पूरे वैसे तो पंजाब दे विच संगरूर जिले विच 11 जगह के उत्ते 25-25 फुट के पुतले बना के उन्होंने 10-10 सिर लाए गए हैं। मोदी का, जोगी का, राजनाथ का, इतों तक कि ट्रंप का, वो यार अडानिया अबानिया का, ये 11 थों ते प्रोग्राम है। 12 तो 3 बजे का प्रोग्राम है। ये समूह भाईचारा साढ़े नाल इकट्ठा हो रहा। यदि पेमेंट है जी जानी सानू शहर वासियों ने दिती है, क्योंकि यह बहुत महंगे पुतले ने। साडी किसान जथेबंदी की इन्नी परोखो नहीं होंदी हैगी। इह ऐतकी मोदी का फूकण का बनाया है। ये जिहड़ियां सेंटर सरकार ने कारपोरेट घराणियां नूं अनीतियां दे तहत लॉकडाउन अंदर बंद करके आ जिहड़े कानून लागू कर रहे ने लोगों नूं, जाने के रोटी तो वेले करन वाले लोगों नूं, उहदे वास्ते साडा इह विरोध चल रहा है। मोदी का जिहड़े पुतला फूकना है, तो उहदे नाल जिहड़े दोस्त मित्र ने उहदे, उन्हां दा भी पुतला फूकना है। ये जिहड़े लोगों नूं दिक्कत खड़ी बहुत वड्डी हो रही है। जिहड़े सानूं बिचौलिए दसदे ने, दलाल ने, धाप ने, चाहे मोदी हो गया, चाहे अमरिंदर हो गया, जिहड़े चाहे राज करदे कोई लोग ने, बिचौलिए दा दलालियां दे आप खांदे ने बिचौलिए। सानू किवें बिचौलिए दसदे ने इह। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 41 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ? जी स्वाति, जिवें गल करते हैं आप, क्योंकि किसानों का जिहड़ा खेती बिलों नूं लैके जिहड़ा रोस है काफ़ी वाधा जा रहा है, क्योंकि अज 25 दिन लगातार हो गए रेलवे ट्रैकों पर भी बैठे से, ट्रैक खाली करते सी। उस तो बाद टोल प्लाजा ने ज रिलायंस पंप ने उत्थे जिहड़े बैठे ने किसान धरने से बैठे ने, क्योंकि एक पासे जिहड़ा किसानों की फसल की वाढ़ी चल रही है झोने की, तो दूजे पास जिहड़े किसान ने ते घर दीआं औरतां ने, वह भी धरनिआं दे विच बच्चिआं समेत पहुँच रहे हैं। पर जिहड़ा इस वारी दशहरा है, दशहरा एक अनोखे रूप दे विच मनाया जाणा है, क्योंकि नेकी ते बदी दी जिहड़ी कीती उहनूं फूकिया जांदा सी, क्योंकि जिहड़ी बदी है उह इस वारी जिहड़े किसान ने, किसानां दा कहिणा है कि किसानां नाल केंद्र सरकार ने एक स्ट्रोक माया है, क्योंकि जिहड़े इह बिल ने ते किसानां दे हक दे विच नहीं, किसानां नूं मारन वाले बिल ने। इस वारी रावण दी जगह ते संगरूर जिले दे विच ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰੋਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ। जी बिल्कुल गुरदर्शन, ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी अते केंद्रीय मंत्री सगो कई होर जिस तरह दे नाल आगुआं दी गल करिए, भावें उह कैप्टन अमरिंदर सिंह दा वी किसानां वल्लों जिक्र कीता जा रहा है, क्योंकि खेती बिल बेशक विधानसभा विच पास कर दिते गए ने पर किसानां वल्लों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस तों इलावा कारपोरेट घराणियां दा वी लगातार विरोध किया जा रहा है, इस नूं लैके वी अज नाराजगी किसानां वल्लों जग जाहिर की जाएगी। जी
इस कल एक पीकेजू ग्राहां वालों व्यापारियों नाल ते आतियां नाल जिहड़ी मीटिंग भी की गई है। इस पुतले जिहड़े फूके जाणे ने उहदे विच जिहड़े व्यापारी ते आड़ती ते होर भी छोटे दुकानदार ने जिहड़े शामिल होणगे, क्योंकि लोगों का कहना जिहड़े काबिल घराणे ने भट्टे मॉल खोल के जिहड़ियां छोटियां दुकानदारियां ने उहनां नूं बंद करवाउणा चाहुंदे ने, ठप्प करना चाहुंदे ने, क्योंकि जिहड़ी केंद्र सरकार आ उहदी नीति ही यही रही है। किसानां दा कहना है कि जिहड़े आम छोटे जिमीदार ने जां छोटे व्यापारी ने उन्हां नूं खत्म करन ते, क्योंकि भट्टे घराणियां दे हत्थ दे उत्ते जिहड़ी चल रही है सरकार, इस करके सारे पासे जिहड़ा केंद्र सरकार दा विरोध होना लाजमी है। जी सुभाष जी, बिल्कुल, तां केंद्र सरकार दा विरोध लगातार किया जा रहा है ते खेती कानूनों नूं लैके लगातार किसानां विच गुस्सा बरकरार है ते अज दशहरे मौके रावण दी थां प्रधानमंत्री मोदी अते कई होर केंद्रीय मंत्रियों दे पुतले साड़े जाणगे। तुसीं नज़र बना के रखो, धन्नवाद तमाम गल्लबात लई।